क्या आपने कभी सोचा दोस्तों, सांप और नेवले के बीच ऐसे क्या दुश्मन है जो मिलते हैं दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं? गुड क्वेश्चन, आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए दोस्तों, दोनों पहले से एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों ही अपने आप को बचाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन पहला अटैक नेवला ही करता है क्योंकि सांप ज्यादातर नेवले के एरिया में उसके बच्चों को खाने ही जाते हैं। ऐसे में सांप नेवले के बच्चों तक पहुंचे उससे पहले ही नेवला उस पर अटैक कर देता है। दूसरा, जब भी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं। सांप को लगता है कि मैं नेवले को मार के अपने आप को बचा लूं, और नेवले को लगता है कि मैं सांप को मार के अपने और अपने बच्चे की जान बचा लूं। इसी भिड़ंत में जब भी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लड़ते ही रहते हैं जब तक किसी एक का मामला साफ ना हो जाए।